बात करने वाले हैं एक पाइप बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसमें एफआईआई और डीआईआई वाले लगातार होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। वो होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा गाइस, मैं अगर इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करूं ना, तो गाइस कंपनी के क्लाइंट बेस में एलएनटी, गोदरेज, एचपी, इंडियन ऑयल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट बेस में शामिल है। गाइस कंपनी को मार्केट में आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, न्यू कंपनी है और कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दे रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है तो हमारे लिए रिस्क भी कम हो गई, पेनी शेयर भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है गाइस, तो आपको मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप कैटेगरी वाले जो शेयर होते हैं उनमें रिस्क केवल एक ही होती है कि उनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर इस तरीके से शेयर चल भागा होगा तो इस तरीके से गिरा भी होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहां पर रिस्क की बात करें तो कैलकुलेटेड रिस्क ली जा सकती है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि हमें उसके बारे में ज्यादातर चीजें पता चल जाती है। पैनी शेयर होते हैं, प्रमोटर से कौन है पता नहीं चलता, क्या सेल्स हुई, क्या प्रॉफिट हुआ पता नहीं चल पाता, लेकिन हमें यहां पर सब चीजें मिल जाती हैं। और गाइस स्मॉल कैप के शेयर में यहां पर एफआईडीआई वाले भी मिल जाते हैं, जो कि यहां पर एफआईडीआई वाले तो हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए हैं। तो गाइस मिस मत कीजिए कौन सा वो शेयर है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। गाइस यहां पर स्टॉक के पी की बात करें तो आपको 39 देखने को मिल रहा है यहां पे, और कंपनी का बुक वैल्यू यहां पर शानदार है 147 यहां पर रुपए देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू। आरओसी और आरओ यहां पर देखोगे 36% और 37% का कंपनी को आरओई आरओई है, जो कि काफी अच्छा है। ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जो कैपिटल लगाया है उस पर कितना रिटर्न है, और ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने जो इक्विटी बाय की है उसमें, आप जो शेयर बाय करते हो तो आप एक तरह की इक्विटी बाय करते हो उस कंपनी की, ठीक है। तो उसमें 37% का रिटर्न यहां पर कंपनी बनाकर दे रही है। गाइस यहां पर अगर बात करें कंपनी के पास डेट की, तो 53 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, लेकिन गाइस रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 278 करोड़ का रिजर्व मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। एफआई होल्डिंग की बात करें गाइस यहां पर 5.80 जो कि उन्होंने बढ़ाई अपनी होल्डिंग, पहले तो लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ाकर इतनी कर रखी है। लाइबिलिटीज यहाँ पर 112 करोड़ की, लेकिन एसेट्स कंपनी के पास काफी अच्छी है, लाइबिलिटीज हमेशा कम होनी चाहिए, इस बात को थंब रूल बनाकर रख लेना, किसी भी कंपनी पर लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिस्क में आप क्या बोलते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 48% की देखने को मिल रही है, जबकि डीआईआई वालों की होल्डिंग यहाँ पर 8.63% की है। तो आपने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों पाइप बनाने वाली छोटी सी कंपनी में एफआईडी वालों ने लाइन लगा करके बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड स्टॉक है ये, ठीक है, हाँ स्टॉक का पी ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्री का पी क्या मतलब थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 69 करोड़ का है, कंपनी के पास जो कैश है। और गाइस अगर आप ये कहोगे कि पी रेशियो कम है सर इसका और पी रेशियो ज्यादा है, तो गाइस पाइप बनाने वाली और भी कंपनियां हैं, ठीक है, पाइप बनाने वाली कंपनियों को छोड़ो और भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो मार्केट में है, और लेकिन फिर भी वो अच्छा रिटर्न मार्केट दे रही है, क्योंकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं। अब देखो पी की बात करें तो अभी आपको दिखाता हूं, देखो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, अभी आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखो पहले हम कंपनी के यहां पर शेयर्स की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर 2021 में शेयर्स 92 करोड़ थी, जो कि अभी 2022 में दिसंबर 2022 में बढ़कर के 136 करोड़ हो गई है। तो कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर कंपनी में शेयर्स की ग्रोथ दिखी है, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही बड़े हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आप देखो, किसी भी कंपनी का जो मेन चीज होती है नेट प्रॉफिट होता है, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, बहुत बढ़ाए, ऐसे एज ए स्मॉल कैप कंपनी का प्रॉफिट काफी बढ़ गया है। और यहां पर हम देखें गाइस अगर कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ वगैरह देखें यहां पे, तो आपको देखने को मिलेगी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। गाइस अगर हम बात करें कंपनी के पास कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, अभी 1500 करोड़ इसका ओनली मार्केट कैप वाइज, तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये। और यहां पर हम देखेंगे गाइस एफआईआई और डीआईआई वालों ने गाइस कितनी होल्डिंग बढ़ाई है, 2% से कर ली 5.80% एफआईआई वालों ने, और डीआईआई वालों ने कर ली 7.14 से 8.60%। तो क्या इन लोगों के लिए ये शेयर का पी रेशियो ज्यादा नहीं था ना, लेकिन कई बार हमें पी रेशियो क्या करना है, इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के बिजनेस, कंपनी का क्लाइंट्स बेस, कंपनी की ग्रोथ को देख करके हमें इग्नोर करना होता है। मान लीजिए कोई पेनी शेयर है, कोई बहुत ही ज्यादा गिरा घिसा पड़ा शेयर है, ना तो पी रेशियो सही है, कुछ भी सही नहीं है, ना ग्रोथ है, ना क्लाइंट्स है, ना प्रोडक्ट सही है, ना इंडस्ट्री, कुछ भी सही नहीं है, तो वहां पर देखा जाता है कि यार इसमें कुछ भी सही नहीं है, होता है ना,
अच्छे आदमी की ना कुछ एक दो कमियां तो वैसे ही छिप जाती हैं। तो कुछ यूनिवर्सल फैक्ट हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ रहते हैं। ठीक है, तो गैस आपके सामने पब्लिक के पास 42 होल्डिंग थी, 37 हो गई। अच्छा कौन सा वो शेयर है गाइस, वीनस पाइप के बारे में बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पे वीनस पाइप लिमिटेड कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरर स्टेनलेस स्टील पाइप प्रोडक्ट्स इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स एंड वेल्डेड ट्यूब्स पाइप्स, अंडर व्हिच फाइव कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरर, नेमली स्टेनलेस स्टील हाई प्रोडक्ट प्रेसिजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील। देखो ये जो स्टील की यहां पर डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, यहां पे पांच तरीके की यहां पर बता रहा है, मतलब डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील कई टाइप्स के, इस ये जो पाइप है ना कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के स्टील है जो कि ये कंपनी बना रही है। यहाँ पर हम देखेंगे गाइस तो कंपनी का जो 1514 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 446 इसकी कंपनी देखने को मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का प्रोडक्ट जो पाइप ये बनाती है, ये स्टेनलेस स्टील के पाइप होते हैं जो कि अलग अलग कई सेक्टरों में, अलग अलग इंडस्ट्रियों में यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स या बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हम देखें गाइस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो कई जगह पे यूज किए जाते हैं। कंपनी क्लाइंट बेस की बात करें तो 70 फॉर्चून 500 इंडिया लिस्ट है, इंडिया की जो 500 इंडिया लिस्ट है उनमें से 70 फॉर्चून कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं गाइस यहां पर। और कंपनी ने 2019 से अब तक 61% के सीएजीआर से रिटर्न्स भाग कर दिया है। 2019 से 2021 तक 61% के सीएजीआर से रिटर्न भाग कर दिया है, बहुत होता है, जो कि कंपनी को मार्केट में आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कैटरिंग नॉन डाइवर्सिफाइड सेक्टर, अलग अलग नॉन डाइवर्सिफाइड सेक्टरों में यूज किया जाता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेक्टर में नहीं, अलग अलग। एक्सपोर्ट 25 कंट्रीज में जो कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रही है गाइस। क्लाइंट लिस्ट की बात करें, क्लाइंट लिस्ट की अगर बात करें तो दालिमा भारत सुगर से लेकर के सीजीपीएल कैश कास्ट क्या है ये कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड और एशियन पेंट्स। ठीक है, डीसीएम श्रीराम गेल हो गया, और ये आपके जीएसएल हिकल हो गया, इसरो हो गया, जीएसडब्ल्यू हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, वन सीजी हो गया, आईटीसी। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जेके पेपर हो गया, और पेस्ट्रो निर्मा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, ओरिएंट बिरला ग्रुप, टाटा प्रोडक्ट्स हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, टोयो इंजीनियरिंग हो गया, टोयो इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी जो कंपनी जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट है। टोरेंट पावर हो गया, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट्स है ना कई जगह पर यूज किया था, अलग अलग नॉन डाइवर्सिफाइड सेक्टर में यूज किया जा रहा है गाइस। यहां पर आप देख सकते हो कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है आपको दिखा रखी है यहाँ पे स्क्रीन पे गाइस, 24 मई 2022 को इस कंपनी का आईपीओ लेकर आई थी कंपनी अपना। तो कंपनी को अभी मार्केट में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। 2019 से 21 तक कंपनी ने 61% के सीएजीआर से रिटर्न्स भाग कर दिया है। अब आप कहोगे कि 24 मई को तो कंपनी का आईपीओ आया है, 2019 से कैसे? कंपनी मार्केट में ही तो, मतलब शेयर मार्केट में ही तो अपना लिस्टिंग की थी, उससे कंपनी तो पहले भी थी ना, उससे पहले तो पहले भी तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था, तो उनको भी तो रिटर्न्स भाग कर दे रही होगी। जैसे कि आपको पता होगा शार्क टैंक में जो लोग आते हैं फंडिंग लेने, अपने कंपनियों को और ग्रो करने के लिए लेकर आते हैं, तो उनमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं जो शार्क बैठे होते हैं। तो आईपीओ तो बाद में लाती है कंपनियां, ठीक है, उनसे पहले भी इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, उनको भी तो रिटर्न मिल रहा होता है। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो गाइस कंपनी ने काफी शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो कंपनी ने, मैं मैक्सिमम स्टार्ट इसका अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा 125% का 27 मई 2022 तक कंपनी ने 125% का रिटर्न बनाकर दिया है, और 6 मंथ में आपको 32% का, 1 मंथ में आपको 3% का, 5 डेज में आपको 3% का, और 1 डेज में आपको 3.89% का शेयर ग्रेन ही रहा है। तो गाइस वो तो ठीक है, शेयर नहीं गिर रहा है, लेकिन रुको एक मिनट, शेयर अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है गाइस, इसलिए कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है अभी भी, लेकिन कम भी है क्योंकि इसमें एफआईडी वाले इन्वेस्टेड हैं गाइस, इसलिए ठीक है। और उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, क्लाइंट लिस्ट भी काफी बड़ी है, क्लाइंट बेस भी काफी बड़ा है, सेल्स ग्रोथ भी काफी इंक्रीज हो रही है। तो आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं गाइस अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, लेकिन वेट कीजिएगा इसके नंबर्स का, इसके जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर, तो उसका वेट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें एंट्री लेने की सोचिएगा, क्योंकि अगर नंबर्स खराब आए तो उसका रिफ्लेक्टर हमें मार्केट में देखने को मिलेगा,
उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा गिरावट के तौर पर। ठीक है, तो हम गिरावट में और करेंगे कि अभी जैसे कि अंडरवैल्यूड ओवरवैल्यूड है तो थोड़ा सा अंडरवैल्यूड हो जाएगा, और अगर अच्छे नंबर आते हैं तो शेयर और भागेगा, तब भी कुछ क्वांटिटी आप एक्ट करके चल सकते हो। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, कितने अच्छे हो आप, है ना। मतलब सब्सक्राइब की हर बार बोलता हूँ फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब मेरी बात भूलते नहीं आप। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब।